के हाँ, चांसेस उनको है। हम मेजरली मिस करेंगे, मुझे नहीं लगता उनका चांस है आपने आने देखा एलविश की अभी गेट टुगेदर हुए जहाँ सीएम मीटअप साहब हुआ? भी हाँ, आए थे। सीएम आए थे एंड आप प्रॉपर इंटरव्यू नहीं नहीं देखना तीन चार सवाल हाँ। सबसे पहले अविनाश का आज बर्थडे है, क्या कुछ कहना चाहोगे? यही कि अब वो 36 का टैग हट चुका है, फाइनली वो 36 नहीं रहा, अब यू नो उसकी एक उम्र बढ़ती जा रही है। एक तरह से अच्छी बात है, आई मीन अविनाश बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर चुका था बिग बॉस के घर में कि बढ़ती उम्र और मैच्योरिटी के साथ आप किस तरह से एक यू नो एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट प्रूव हो जाओगे, और पूरी जर्नी में उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाया, इम्प्रूवमेंट दिखाया है यू नो, तो हम सब यहीं उसकी जर्नी को चेरिश करने और उसके लाइफ एक्सपीरियंस को चेरिश करने और उसे ब्लेसिंग्स देने आए हैं उसके बर्थडे पे। 37th बर्थडे, अब 36 नहीं रहा वो, और ज़िंदगी में कोई उसे 36 या नहीं बुला पाएगा अब, तो हम सब यही चीज़ चेरिश करना चाहते हैं और ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ओके सर, इसके अलावा ये जानना चाहेंगे यू नो अभी आज गेट टुगेदर होने वाला है, आफ्टर बिग बॉस सबका गेट टुगेदर आज हो रहा है, तो कितनी एक्साइटमेंट लेवल है और क्या कहना चाहेंगे? वेल, काफ़ी एक्साइटेड हूँ, जो जो मुंबई में प्रेजेंट है वो सब मिलेंगे और साथ मिलेंगे, और खुशी है मुझे कि बिग बॉस के घर के बाद वापस बिग बॉस जैसा माहौल फिर बन पाएगा। Yes, इस बार कुछ ज़्यादा कुछ एंटरटेनमेंट होगा, वहाँ पर जो माहौल था वो अलग था, यहाँ पर अलग होने यहाँ अलग है, सब अपने गिले शिकवे सारी बातें भूल कर सब कुछ छोड़ कर बिग बॉस के घर में जो है वो बिग बॉस के घर में छोड़ कर आज सब लोग यूनाइटेडली अलग तरीके से ग्रीट करेंगे, मिलेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे। अभिषेक एल्विश हाँ, उनको हम मेजरली मिस करेंगे, मुझे नहीं लगता उनका चांस है आने का। एल्विश की अभी गेट टुगेदर हुए जहाँ मीटअप हुआ, हाँ सीएम आए थे एंड आप देख सकते हैं उसका सिस्टम बस नेशनली नहीं अब इंटरनेशनली भी तोड़ने वाला है सबको, मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया हैंग करने पे तुला है एल्विश। तो क्या लगा था कि इतना कुछ यू नो एक्सपेक्ट किया था एल्विश का इतना बस बनेगा और इतना हैंग कर देगा वो? टू बी ऑनेस्ट, उसकी प्रोफाइल से हम लोग बिल्कुल अवेयर नहीं थे जब हम घर के अंदर थे, तो हमें लगा था बस वो एक यूट्यूबर है बाकियों की तरह, जब बाहर निकला तो पता चला कि एल्विश एक्चुअली क्या चीज़ है, और हमें बहुत प्राउड फील होता है उस पर, बहुत नाज है उस पर कि ही इज़ गोइंग सो हाई इन लाइफ एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू।